कोरोना के समय में बेशक देश भर की सारी फैक्ट्रियों पर ताला लग गया हो, लेकिन एनडीटीवी नामक फेक न्यूज फैक्ट्री अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। एनडीटीवी को फेक न्यूज फैलाने में एक्सपर्ट समझा जाता है और ऐसा ही उसने भारत चीन सीमा पर जारी विवाद के मुद्दे पर भी किया है। दरअसल एनडीटीवी ने 23 और 24 मई को इस खबर को प्रसारित किया कि चीन ने पिछले बुधवार को मुठभेड़ के दौरान कुछ भारतीय सैनिकों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके हथियार भी छीन लिए। एनडीटीवी ने अपने विशेष सूत्रों के हवाले से इस खबर को प्रसारित किया। हालांकि भारतीय सेना को जैसे ही इस खबर का पता चला, उसने तुरंत एनडीटीवी की इस फेक न्यूज की धज्जियां उड़ा दी। एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के अनुसार लिखी खबर में लिखा, पिछले बुधवार को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीनी सेना ने कुछ भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। कुछ देर बाद चीन ने उन्हें छोड़ दिया। इस दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के हथियार भी छीन लिए, हालांकि बाद में उन्होंने हथियार लौटा दिए। इसके बाद भारतीय सेना को एक बयान जारी कर एनडीटीवी की इस फेक न्यूज को एक्सपोज करना पड़ा। सेना ने कहा, हमारे किसी भी सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया, हम यह दावा करते हैं। मीडिया को ऐसी झूठी खबरें छापने से पहले देश के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। बता दें कि इस महीने की शुरुआत से ही भारत के लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना घुसपैठ कर भारत को आंखें दिखाने का काम कर रही है। 5 मई को सबसे पहले भारत और चीन सैनिकों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आई थी, जिसमें कई चीनी और भारतीय सैनिकों के घायल होने की घटना को रिपोर्ट किया गया था। हालांकि ऐसे संवेदनशील समय में भी एनडीटीवी अपनी गिरती टीआरपी के लिए ऐसी झूठी खबरों का सहारा लेने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि एनडीटीवी और घटिया रिपोर्टिंग का तो बहुत पुराना नाता रहा है। अभी हाल ही में जब एनडीटीवी का एक रिपोर्टर पलायन कर रहे कुछ मजदूरों को कवर कर रहा था, तो उसने एक नदी को पार कर चुके मजदूर को पीछे जाकर दोबारा नदी पार करने के लिए कहा था, ताकि कैमरे पर एक बढ़िया शॉट लिया जा सके। एनडीटीवी देश में एक विशेष मानसिकता के तहत देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी बदनाम है। जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब एनडीटीवी ने इसके विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कर्फ्यू पर झूठी खबर फैलानी हो, कश्मीरी पंडितों के झूठे इंटरव्यू लेने हो, या फिर छोटे बच्चों के जेल जाने को लेकर फेक न्यूज क्यों ना फैलानी हो, एनडीटीवी का सिद्धांत हमेशा स्पष्ट है, एजेंडा ऊंचा रहे हमारा। अब यह और बात है कि जनता एनडीटीवी को उतना ही भाव देती है जितना एनडीटीवी पत्रकारिता के मूल्यों को। देश की सेना के मनोबल को कम करने वाली और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी खबरों को बार बार प्रकाशित करने वाले एनडीटीवी की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।